बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 3 जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को एक बुनियादी अहमियत हासिल है। जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो साइंसदान इस सोच में बढ़ गए कि भी इन एलिमेंट्स को अब अरेंज कैसे किया जाए। बहुत सारे साइंसदानों ने मुख्तलिफ अदवार में इसके ऊपर काम किया। सबसे पहले डोब्राइनर आए, उन्होंने तीन तीन के ग्रुप बनाने का एक आइडिया दिया कि एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया जा सकता है। उसने ग्रुप्स बनाए थे तीन तीन के, उसको ट्राइएड्स का नाम दिया गया, लेकिन वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो सका। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड, उन्होंने 8-8 के ग्रुप बनाए, उससे भी जो है सारे एलिमेंट्स अरेंज नहीं हो सके, वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके। उसके बाद मेंडलीफ आए, मेंडलीफ ने आकर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर तरतीब दी। उस वक्त 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन एटॉमिक मैसेज के लिहाज से भी कोई जो है एक बेहतरीन अरेंजमेंट नहीं हो सकी थी। उस वक्त कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके अभी एटॉमिक मैसेज मालूम नहीं हो सके थे, या कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर ही नहीं हुए थे, तो वो गैप्स थे, तो वो भी कोई ज़्यादा उसको अहमियत ना मिली। लेकिन ये एक हकीकत है, इस वक्त जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, उसकी जो बेस है, वो जो उसकी असल फॉर्म इन दिस फॉर्म में मौजूद जो हमारे पास है, वो हमें मेंडलीफ ने दी। मेंडलीफ के बाद 1913 में सबसे बड़ा इनकलाब उस वक्त आया कि जब एच बोजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। जब एटॉमिक नंबर का पता चला तो एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक टेबल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी बना दिया गया। इससे पहले जो है एटॉमिक मास की बुनियाद पर एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया था, उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मैसेज पॉइंट्स में थे, फ्रैक्शन में थे, और एक एक वैल्यू में दो दो एलिमेंट्स आ जाते थे, तो वो इतनी कोई मौजू सूरत हाल नहीं थी कि उसको जो हम अप्रिशिएट करते। लेकिन जब एच मोजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, उसके बाद एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मिल गई हमें। एटॉमिक नंबर डिस्कवर होने से ये फ़ायदा हुआ कि अब हर एलिमेंट को एक मखसूस एटॉमिक नंबर अलाट हो गया। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, क्लोरीन का, एंड सो ऑन। हर एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है जो कि पहले एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर तरतीब दिए गए। बहरहाल, इस वक्त जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ये फॉर्म जो हम देख रहे हैं, इसको जो तरतीब दिया गया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बढ़ने के लिहाज से इसको तरतीब दिया गया। क्या मतलब? यानी जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो पहले नंबर पे आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है वो इसके बाद आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर सपोज 19 है, फिर 20, 21, 22, 23 एंड सो ऑन। तो आइए, सबसे पहला जो, वैसे तो आपकी बुक में ये नाइन्थ का जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का जो सिलेबस है, उसमें 3-4 टॉपिक्स जो हैं, इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जैसे मैंने डोब्राइनर का जिक्र किया, न्यूलैंड का जिक्र किया, मेंडलीफ का जिक्र किया, वो सारी हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है, वो जो टॉपिक्स हैं वो आपके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। अब जो फर्स्ट टॉपिक जो है, जो आपकी पीरियोडिक टेबल के बारे में जो दिया गया, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब इन लेक्चर्स में हम जो जो टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड कर दिए गए उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखते हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड्स क्या होते हैं। जब भी पीरियोडिक टेबल का नाम लिया जाएगा, उसमें दो नाम आप बड़े ज़ोरों शोरों से सुनेंगे, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड क्या होते हैं जी? द हॉरिजेंटल रोज। हॉरिजेंटल क्या होता है? हमारे पास दो तरह की मैथमेटिक्स में लाइन होती है, एक होती है वर्टिकल लाइन, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट, ये इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको, इन दोनों मार्कर को इस पोजिशन में रखूँ, दे आर द वर्टिकल, जैसे परपेंडिकुलर होता है। और हॉरिजेंटल क्या होता है? बिल्कुल ऐसे, जैसे हमारे जो है कापी की लकीरें होती हैं, हॉरिजेंटल रोज हैं। सड़कें जो हैं हॉरिजेंटल हैं। अब उसके अगेंस्ट कौन सा वर्ड होता है? वर्टिकल। वर्टिकल मीन बिल्कुल सीधा, जैसे दीवारें वर्टिकल होती हैं, वापडा के पोल्स वर्टिकल होते हैं, दरख्त ऑलमोस्ट वर्टिकल होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि जी हॉरिजेंटल रोज किसकी? ऑफ एलिमेंट्स की इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आर कॉल्ड पीरियड्स। अब हम अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसमें हमें दो तरह की लाइंस और रोज नज़र आ रही हैं। ये वाली हमारी जो हैं
ये हमारे पीरियड्स हैं। अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जाएं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं जी, पीरियड्स हैं। यही हमें कहा गया है, हॉरिजेंटल रोज ये हैं आपकी वर्टिकल, टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो क्या है जी, ये वर्टिकल। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियडिक टेबल में मूव करेंगे तो ये आपकी कहलाएंगी हॉरिजेंटल रोज। रोज जैसे आप स्टूडेंट्स क्लासों में बैठे होते हैं, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, बिल्कुल उसी तरह एलिमेंट्स की ये रोज बनाई गई हैं। तो हॉरिजेंटल रोज इन अ पीरियडिक टेबल, इस पीरियडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल रोज हैं इनको क्या कहा जाएगा, पीरियड्स। क्या कहलाएंगे जी, पीरियड्स। इसके अलावा जी, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड इज एन अल्कली मेटल। अब ये जो फर्स्ट पीरियड है जी, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड, हर पीरियड का जो पहला मेंबर है। अब देखें पीरियड हमारे पास कौन से हैं, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन। उसने कहा जी हर पीरियड का जो पहला एलिमेंट है जिससे वो स्टार्ट हो रहा है वो अल्कली मेटल होगा। हमारे पास टोटल सेवन पीरियड है, सेवन पीरियड का जो आगाज है जिससे हो रहा है वो अल्कली मेटल से हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, दे आर कॉल्ड द अल्कली मेटल्स। द फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, ऑफ ईच पीरियड, हर पीरियड का। देखें जो भी पीरियड का आगाज होता है इधर से हो रहा है, उसका जो है पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, इज एन अल्कली मेटल है। ये वाले जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे क्या हैं, अल्कली मेटल्स हैं। वाइल द लास्ट एलिमेंट इज नोबल गैसेस। अगर हम इसके लास्ट पे जाएं, ये देखें ये उस, अगर वो पीरियड यहां से स्टार्ट हो रहा था तो ये यहां पर आके एंड हो रहा है, ये उसकी इंतहा है उस पीरियड की। लेकिन वो कहता है जी स्टार्ट अल्कली मेटल से हुआ था, एंड कहां पे हो रहा है, नोबल गैसेस पे। ये वाला जो हमारा लास्ट है, ये वाले एलिमेंट्स हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रडान, आर्गन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नोबल गैसेस। यानी हमारे पीरियड का आगाज किस एलिमेंट से होता है, अल्कली मेटल से, और एंड किस पे होता है, जाकर नोबल गैसेस पे। तो ये बात यहाँ बताई गई है, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड, हर पीरियड का जो आगाज है वो अल्कली मेटल से होता है, और हर पीरियड का जो एंड है वो कहाँ पे होगा, जाकर नोबल गैसेस पे। नोबल गैसेस कौन सी हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रडान, और अल्कली मेटल्स क्या हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे पीरियड्स की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जी। नंबर वन कहता है द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियड के अंदर अगर आप एटॉमिक नंबर को देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। कैसे, मिसाल के तौर पर ये देखें, पहला पीरियड है उसमें हाइड्रोजन है, और उसका दूसरा जो एलिमेंट है वो हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर हम थोड़ा सा उसके नीचे देखें, जैसे ये पोटाशियम है, सपोज ये हमारे पास फोर्थ पीरियड है, उसने कहा जी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली, 19 जो है एटॉमिक नंबर है, उसके बाद क्या आ गया जी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड सो ऑन। यानी एक पीरियड के अंदर एक एलिमेंट के बाद जब अगला एलिमेंट आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, दरमियान में कोई गैप नहीं होगा। दोबारा देखें, द एलिमेंट्स इन अ पीरियड, कोई भी एलिमेंट जो है पीरियड के अंदर हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, मुसलसल इजाफा हो रहा है उसमें, किस में, एटॉमिक नंबर में, दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली उनकी कंटिन्यूसली जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रही होती है। जाहिर है एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करती है। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किस पे बेस करती है, इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी एटॉमिक नंबर पे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी तरह आप इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जब एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हम कहते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है, हम कहते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2
2s1। अगर आप देखें तमाम में यहाँ s सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ दो हो गए, अब ये फर्स्ट 1s2 और ये 2s1। यानी जैसे जैसे अटामिक नंबर चेंज हुआ वैसे वैसे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेंज होती है। आप देखें इस लाइन को, इसका मतलब आपको समझ आएगा। द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग वो तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो ही रहा है, दैट इज उसके साथ साथ कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी साथ साथ चेंज होती जाएगी। नंबर टू, एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आल्सो चेंज। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी, दूसरी बात केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी तो ऑफकोर्स केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। सो एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आल्सो चेंजिंग। नंबर थ्री, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर कहते हैं तादाद को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में पाए जाए। वैलेंस शेल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का सबसे आखिरी शेल। कौन सा शेल जी? सबसे आखिरी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो बेचारे का पहला भी वही है और आखिरी भी वही है। इस वैलेंस शेल के तीन नाम हैं, हम इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल, इसका कहीं जो आप लास्ट शेल भी नाम पढ़ेंगे और कहीं आप इसको आउटर मोस्ट शेल भी कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल। तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कहते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिसाइड करेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड, के पीरियड के अंदर उस एलिमेंट की क्या पोजीशन है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है। इसी तरह वही जब हम हीलियम पर जाते हैं तो 1s2 होता है, इसका मतलब वो भी उसी शेल के अंदर पाया जा रहा है, तो वो उस फर्स्ट में है। इसी तरह जो हमारे पास लिथियम है, लिथियम का वैलेंस शेल कौन सा होता है? आप देखिए लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 1s2 2s1, तो इसमें s जो 2s सब शेल है वो वैलेंस शेल है, तो तमाम में जो है वो 2s ही होगा। तो जिस जो वैलेंस शेल है वही उसकी पोजीशन भी बताएगा कि वो किस पोजीशन पे एलिमेंट है। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी, किस तरह इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एलिमेंट्स विच हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ऑक्यूपाई द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड सच एज एल्केली मेटल। कहता है जिनके वैलेंस शेल में एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स विच हैव वन इलेक्ट्रॉन, जिनके पास उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? एक हो। जैसे हमारे पास ये अल्कली मेटल है, अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखें, सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। फॉर एग्जाम्पल अब हमने ये लाइन पढ़ी है कि एलिमेंट्स विच हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है उनकी पोजीशन क्या होती है पीरियडिक टेबल में? वो पीरियडिक टेबल की लेफ्ट मोस्ट साइड पर पाए जाते हैं। लेफ्ट मोस्ट कौन से? ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसमें पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, फिर है जी लिथियम, फिर है सोडियम। हम ज़रा देखते हैं कि किस तरह इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसके पास पहले शेल में 2 और वैलेंस शेल में 1। इसी तरह 11 सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, पहले में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी शेल में 1। अब इन सबका देखें, ये मैंने जो तीनों एलिमेंट्स लिए थे ये फर्स्ट जो हमारा पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है उनके लिए थे। सबके वैलेंस शेल, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सबके वैलेंस शेल में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता चला एलिमेंट्स विच है वन इलेक्ट्रॉन, वो वाले एलिमेंट्स जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इन देयर वैलेंस शेल, उनके वैलेंस शेल में उनकी पोजीशन कौन सी होगी? ऑक्यूपाइज, यानी वो जगह लेते हैं कौन सी? द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल की सबसे जो लेफ्ट, वो राइट साइड ये वाली लेफ्ट, लेफ्ट का भी बिल्कुल आखिरी ये वाला। अब आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम की सब की इस तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखें तो सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा।
इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे पाए जाएंगे वहाँ। इसी तरह है जी, सिमिलरली द एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल सच एज नोबल गैसेज ऑलवेज ऑक्युपाई द राइट मोस्ट पोजिशन इन द रिस्पेक्ट। इसी तरह वो वाले एलिमेंट्स जैसे हमारे पास ये वाले नोबल गैसेज हैं, ये नोबल गैसेज में देखें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इनके जो वैलेंस शेल में हैं हीलियम के अलावा सब में अंदर आठ आठ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो आठ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट मोस्ट, बिल्कुल राइट साइड वाले जो हमारे जितने भी हर पीरियड का जो एंड है हमने स्टार्ट में पढ़ा था वहाँ पर क्या होगा जी, एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में आठ आठ इलेक्ट्रॉन होंगे सिवाय हीलियम के, और उनकी पोजीशन क्या होगी, बिल्कुल राइट मोस्ट होगी। दोबारा देखें, सिमिलरली द एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल सच एज नोबल गैसेज ऑलवेज ऑक्युपाई द राइट मोस्ट पोजीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड। नेक्स्ट जो है, हमने पहले पीरियड के बारे में पढ़ा, अब हम ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। ग्रुप की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। कहता था वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जो ये वाली पोजीशन होती है, जैसे हमने ये ब्लू मार्कर को यूं इस पोजीशन में ठहराया हुआ, ये वर्टिकल पोजीशन में, तो इस तरह हमारी पीरियडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जो वर्टिकल पोजीशन में है उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्स। अब ये वाला जो है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये हमारा एक एलिमेंट है, ग्रुप की फॉर्म में है। द वर्टिकल कॉलम्स, जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट के इन द पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल में आर कॉल्ड ग्रुप्स, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जी, क्या प्रॉपर्टीज हैं जी, दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये नंबर हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ स्टार्ट होती है, यानी कि जब हम इनको काउंट करेंगे, ये वाला जो हमारा ग्रुप है इसको हम ग्रुप फर्स्ट का नाम देंगे, ये वाला उसके बाद ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए हम इनको नाम देते हैं जी। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज फ्रॉम 1 to 18। टोटल कितने हैं जी, 18 हैं, 1 से लेकर 18 तक। कैसे, मैं दोबारा बता देता हूँ जी। हाँ जी, ये ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के ग्रुप्स की जो तरतीब है, जो नंबरिंग है, कहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट से स्टार्ट होती है, और किस तरफ जाती है, राइट की तरफ, और नंबर क्या होंगे उनके, 1, 2, 3, 4, और टोटल तादाद कितनी है जी, 18। द ग्रुप्स आर नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज 1 to 18। दूसरा नंबर पे आ जाता है, एलिमेंट्स इन द ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये बड़ी अहम बात है, हमने पीरियड में पढ़ा था कि पीरियड के अंदर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ था। कैसे, ये देखें, 21, 22, 23, 24, 25, लेकिन कहता है ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं होगा। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप देखें, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, लिथियम का 3, अब सोडियम का 11, 19, 37, 55, 87, इरेगुलर गैप्स हैं, और गैप भी कोई रेगुलर नहीं है, यानी ये नहीं है कि दो दो का वक्फा है या चार चार का, कहीं एक का डिफरेंस है, कहीं आठ का डिफरेंस है, कहीं 18 का डिफरेंस है, तो इरेगुलर गैप्स हैं। यही वो बात कह रहे हैं जी, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, के ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर नहीं होता। तीसरा नंबर पे आ जी, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इंक्रीज विद इरेगुलर गैप्स। इंक्रीज होता है लेकिन इरेगुलर गैप, रेगुलर गैप्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इसको कहते हैं रेगुलर गैप। इरेगुलर क्या है जी, 1, 3, 11, 19, 37, 50, जहाँ कोई तरतीब ना हो, कोई फिक्स ड्यूरेशन ना हो कि इतने के बाद चेंज होना, इसको इरेगुलर गैप्स कहते हैं। नंबर 4, बट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन एक बात है जी, उस ग्रुप के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो सिमिलर होती है, दैट इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। उस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सब के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। वो कैसे, जैसे देखें हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है जिसको हम अल्कली मेटल ग्रुप कहते हैं। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। इसी तरह ये हमारे पास ग्रुप टू है, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तमाम एलिमेंट्स की, का जो वैलेंस शेल है उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे,
स्टॉप टू बट, बट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में सबके सेम ही आएंगे। हाइड्रोजन है तो उसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, लिथियम के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सोडियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन। हमने जब पीरियड पढ़ा था इन तीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी थी, आपको बताया था कि हाइड्रोजन में भी वन आता है, लिथियम में भी वन आता है, सोडियम में वन। इस तरह अगर आप इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो आपको पता चलेगा सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसी वजह से इसको ग्रुप वन का आ जाता है। इसी तरह अगर हम इसके आगे एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं, द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ग्रुप के तमाम एलिमेंट में सिर्फ वैलेंस शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इन देयर वैलेंस शेल। इसी तरह जो ग्रुप टू है उनके तमाम एलिमेंट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, दो। इसी तरह अगर हम आगे इस ग्रुप थ्री है या फोर ए पे जाएँ तो इन सब के वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके आगे चार होंगे, पाँच होंगे। उसी तरह यानी एक ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल के, उन सब की तादाद सेम होगी। ग्रुप फर्स्ट में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप टू में एलिमेंट के वैलेंस शेल में सिर्फ दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह उनका ग्रुप नंबर भी यहाँ से डिफाइन।